नमस्कार साथियों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर पे। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो मिलकर के बनी है ब्रिंग से। अगर फ्रेजल वर्ब को समझें कि फ्रेजल वर्ब आखिर होती क्या है, तो फ्रेजल वर्ब होती है एक वर्ब और साथ में उसके लगा दी जाती है एक प्रपोजिशन। और जब इस वर्ब और इस प्रपोजिशन को मिला करके हम इनके मीनिंग को देखते हैं, तो ये इडियोमेटिक मीनिंग हमारे सामने रख देते हैं, यानी कि कोई इनका लिटरल फ्लैट मीनिंग नहीं होता, इनका एक इडियम की तरह मीनिंग हमारे सामने निकल करके आता है, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी इस बात बारे में बताया था और फ्रेजल वर्ब को अच्छे से समझाया था। तो आज बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। और ये है ब्रिंग। ब्रिंग के साथ हमने लगा दिया अप, तो ये बन गया ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का यदि मीनिंग समझेंगे तो ब्रिंग अप का मीनिंग होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना, तो ये कहलाएगा लुक आफ्टर। जैसे देखिए, एक बच्चा होता है छोटा, तो उसका लालन पालन जो है उसके माँ बाप करते हैं, तो ये ही कहलाता है ब्रिंग अप। बहुत बार लोग पूछते भी हैं, यार इसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, अच्छी है बुरी है जो भी है, तो ये जो है ब्रिंग अप का मीनिंग हमारे सामने आता है। एक सेंटेंस मैं यहाँ पर बनाऊँगा तो आपको और खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक सेंटेंस मैंने बना दिया, ही वॉज, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना, तो इसलिए ब्रिंग की यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज कर दिया। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, मीन्स कोई बच्चा है और उस बच्चे का लालन पालन जो है, उसकी जो लालन पालन किया गया, उसकी जो लुक आफ्टर की गई, वो किसके द्वारा की गई, उसके अंकल के द्वारा की गई। रीजन कोई भी हो सकता है कि अंकल ने ही, क्योंकि पेरेंट्स ने क्यों नहीं, कि हो सकता है पेरेंट्स की डेथ हो गई तो अंकल ने कर दी। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हमें समझ में आता है कि इस बच्चे का लालन पालन किया गया है, इसका ब्रिंग अप किया गया है। ठीक है, तो ब्रिंग अप का मतलब हो गया है लुक आफ्टर। चलिए अब दूसरे मीनिंग पे आते हैं। दूसरा मीनिंग है ब्रिंग अप, एक दूसरी फ्रेजल वर्ब हमारे सामने है ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक का मीनिंग देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। ब्रिंग बैक का जो मीनिंग होता है वो होता है टू रिमाइंड या फिर टू रिटर्न। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, टू रिमाइंड या तो फिर इसका मीनिंग हो गया है टू रिटर्न। अब जैसे देखिए, आप मान लीजिए किसी ने आपको एक लेटर लिखा, आपके किसी फ्रेंड ने आपको एक लेटर लिखा, और जैसे ही आपके फ्रेंड का लेटर आपके पास आता है, और मान लीजिए कोई ऐसी बात उसने टच कर दी है, पुरानी कोई बात छेड़ दी है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी जो पुरानी मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं आपके जहन में। तो आपने एक सेंटेंस बना दिया यहाँ पर, योर लेटर, आपका जो पत्र था, ब्रॉट बैक। यहाँ पर ब्रॉट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म थी, देखने में एक जैसी लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो योर लेटर ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज, आपका जो लेटर था उसने क्या किया, जो पुरानी यादें थी उनको ताज़ा कर दिया, उनको रिमाइंड करवा दिया। ठीक है, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड आप आगे कह सकते हैं, बचपन की, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द कॉलेज कह सकते हैं, और बाकी तो ओल्ड की भी यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेमोरीज की यदि हम बात करें, यादें तो पुरानी ही होती हैं, तो कोई ज़रूरत है नहीं इसकी। ठीक है, तो योर लेटर ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द कॉलेज टाइम, ऑफ द स्कूल टाइम, ऑफ द चाइल्डहुड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो यादें थी वो ताज़ा हो गई, वो ब्रॉट बैक हुई। किसने करवाई, वो इस लेटर ने करवाई। अब इसका दूसरा मीनिंग समझते हैं, और दूसरा मीनिंग है टू रिटर्न। अगर इस टू रिटर्न को समझे हम लोग, तो टू रिटर्न का मतलब हो गया लौटाना। अब जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और उस समय आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने लाइब्रेरी की बुक्स ले रखी हैं, तो लाइब्रेरी की बुक्स ले रखी हैं, तो इसका तो मतलब है नहीं कि आप उनको घर पे रखेंगे परमानेंट, यू हैव टू रिटर्न बैक, आपको लौटानी तो पड़ेगी ना। और जब आप उनको लौटाएंगे तो वो आपने टू रिटर्न कर दिया उनको। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक सेंटेंस बनाया, प्लीज़, यहाँ हमने ब्रिंग को लेना है और साथ में किसको लेना है, बैक को। प्लीज़ ब्रिंग बैक
इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो प्लीज ब्रिंग बैक द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इट मीन्स इस वीक से पहले पहले आप जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं उनको आप रिटर्न करेंगे, आप उनको रिटर्न कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग निकल करके आया, टू रिटर्न। तो हमने देखा कि ब्रिंग अप का मतलब होता है लुक आफ्टर, और ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिमाइंड, या फिर हम कहेंगे टू रिटर्न। चलिए एक तीसरे मीनिंग से रूबरू होते हैं, लेट्स मीट द थर्ड वन एंड दैट इज ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो ये हो गया है, ब्रिंग डाउन हो गया है। मैं आपको बता दूं, यदि आप आरबीएससी में पढ़ रहे हैं तो इस आपके जो बोर्ड में है ये 2 मार्क्स के आएंगे। मीन्स आपको जो ये सेंटेंस दिया जाएगा उसमें गिवन ऑप्शंस भी दिए जाएंगे कि ये फ्रेजल वर्ब आएगी या ये आएगी, तो उसमें 2 से 3 आपके सामने जो हैं ऑप्शंस रखे जाएंगे, उनमें से एक आपको पिक करना पड़ेगा। तो बड़ा आसान है, बड़ा इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने हिसाब से समझे। ये तो मैंने बात बताई है बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे उनमें कि भाई 12th के बच्चे किस तरीके से इसमें मार्क्स ले सकते हैं। आइए एक अगली बात से मिलते हैं, और अगली बात हो गई हमारी, ब्रिंग अप हमने किया, ब्रिंग बैक हमने किया, अब हम करेंगे ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मीनिंग देखिए, आगे लिख भी रखा है टू रिड्यूस, कम करना, घटा देना, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया था। जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो उसके बाद, पेट्रोल डीजल महंगा तो हुआ लेकिन फिर कहीं ना कहीं सस्ता भी हुआ, तो सस्ता हुआ तो वो क्या हुआ, वो ब्रिंग डाउन ही उसको किया गया था। उसको क्या किया गया, ब्रिंग डाउन ही उसको किया गया था। चलिए देखिए एक सेंटेंस बनाएंगे तो आसानी से समझ में आई भी की बात। तो रिडक्शन उसमें किया गया, जैसे हमने सेंटेंस बनाया द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाया है कि द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन, ब्रिंग के साथ हम क्या लगाएंगे यहां पर, डाउन, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है तो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ब्रॉट। ब्रॉट डाउन, ये जरा जरूर ध्यान रखा करें कि कहाँ कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है। तो ये थोड़ा सा जो है, जब आप थोड़ा इंग्लिश को सीखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ी आसान सी लैंग्वेज है जिसको आसानी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। द प्राइसिस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल हैव बीन ब्रॉट डाउन, तो डीजल और पेट्रोल की जो प्राइसिस है उनको क्या किया गया है, उनको ब्रिंग डाउन किया गया है, उनके अंदर रिडक्शन कर दिया गया है, उनको घटा दिया गया है। अब यहाँ पर ब्रिंग डाउन का एक मतलब और भी होता है, टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज़ को गिरा देना, एक इसका और मीनिंग भी है, और वो क्या है, टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज़ को गिरा देना। जैसे स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो तूफान आता है तो क्या करता है, वो बहुत सारे जो ट्रीज वगैरह हैं उनको गिरा भी देता है, ठीक है। तो वो ट्रीज़ का जो फॉल होना होता है, ट्रीज का जो गिरना होना होता है, वो भी किसी न किसी वजह से ही होता है, कोई रीजन होता है। तो हम वहाँ पर भी किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों, ब्रिंग डाउन का। जैसे देखिए एक सेंटेंस बनाया मैंने, द स्टॉर्म इसकी फिर हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है यहाँ पर, ब्रॉट डाउन मैनी ट्रीज, तो बहुत सारे जो पेड़ थे, बहुत सारे जो ट्रीज थे, वो क्या हो गए, गिर गए। तो ये किसकी वजह से हुआ, स्टॉर्म की वजह से हुआ, तो स्टॉर्म कॉज रहा इन चीज़ों का, किसका, पेड़ों के गिरने का। तो टू मेक समथिंग फॉल, यहाँ पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए लेट्स मीट द नेक्स्ट वन एंड दैट वन इज ब्रिंग आउट, खूबसूरत सा है। देखिए ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू पब्लिश, ब्रिंग आउट मीन्स क्या हो गया है, टू पब्लिश। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, या कुछ भी आप ड्रामास पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे नई नई बुक्स आती रहती है, पब्लिश होती रहती है, ठीक है।
जैसे कि एक सेंटेंस हम बना रहे हैं यहाँ पर, और वो सेंटेंस हम बनाएंगे इसका, ठीक है। ब्रिंग आउट का हम एक सेंटेंस अब यहाँ पर बनाएंगे, ब्रिंग आउट का। जैसे रविंद्र कुमार एक नॉवलिस्ट है जो नॉवल लिखते हैं, ठीक है, यंगस्टर्स के लिए खूब लिखते हैं, बहुत प्यार भरे नॉवल्स लिखते हैं। तो रविंद्र कुमार इज ब्रिंगिंग आउट हिज न्यू नॉवेल सून या शॉर्टली, जल्दी ही वो लेकर के आ रहे हैं। तो रविंद्र कुमार जो हैं वो अपना एक नया नॉवेल लेकर के आ रहे हैं, उनका एक नया नॉवेल पब्लिश हो रहा है जल्दी ही। तो यहाँ पर हमने ब्रिंगिंग आउट का यूज़ किया क्योंकि ये हमने एक्टिव वॉइस यूज किया है और इसी वजह से हमने इज के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो रविंद्र कुमार इज ब्रिंगिंग आउट हिज न्यू नॉवल शॉर्टली, रविंद्र कुमार जल्दी ही अपना एक नया नॉवल लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रिंग आउट का मतलब क्या हो गया है, टू पब्लिश हो गया है। चलिए भैया मिलते हैं अगली एक बात से, एक अगली फ्रेजल वर्ब से जिसका नाम है ब्रिंग ऑन, बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। तो ब्रिंग ऑन का मतलब देखेंगे आप, टू हेल्प समबडी डेवलप और इम्प्रूव। जब आप किसी की हेल्प करते हैं इम्प्रूवमेंट करने में, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है, डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में, तो वो फिर क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा ब्रिंग ऑन। जैसे आजकल अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, और राहुल द्रविड़ इज ए जीनियस प्लेयर, लेजेंडरी इज। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नए जो न्यू टैलेंट है हमारा, उसको डेवलप करने में बहुत एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो हम उन्हीं के रिगार्डिंग एक सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पर राहुल द्रविड़ को लेकर के ही हम सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने सेंटेंस बनाया, मिस्टर द्रविड़ इज, यहाँ पर उठाएंगे इस ब्रिंग को, तो इज के साथ आईएनजी लगाएंगे, ब्रिंगिंग द न्यू प्लेयर्स ऑन टू बी फिट इन द वर्ल्ड क्रिकेट। तो राहुल द्रविड़ क्या कर रहे हैं, जो नया नया टैलेंट है हमारे कंट्री का, हमारे देश का, जो नए प्लेयर्स हैं, उनकी वो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं डेवलप करने में। तो ये मतलब हो गया इसका, ये मीनिंग निकल करके आ गया किसका, ब्रिंग ऑन का। तो यहाँ पर हमने ब्रिंग अप को देखा, ब्रिंग बैक को देखा, ब्रिंग डाउन को समझा, ब्रिंग आउट को समझा, ब्रिंग ऑन को यहाँ पर हमने समझा, और अब हम समझेंगे यहाँ पर ब्रिंग अबाउट को, कि ब्रिंग अबाउट का क्या मीनिंग होता है। चलिए, तो इसका मतलब आपके सामने लिखा हुआ है, कॉज टू हैपन। जब कोई चीज़ होती है, कोई घटना घटित होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग ब्रिंग अबाउट का यूज़ करते हैं। या जैसे हम लोग कोई चेंज लाने की बात करें, कोई चीज़ टू ब्रिंग समथिंग, कोई चीज़ लाना, तो वहाँ पर भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रिंग अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वो सोसाइटी के अंदर, वो समाज के अंदर नए नए परिवर्तन लाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे इस तरीके से, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट new changes in the society। वो समाज में नए नए बदलाव लाना चाहता है, तो he wants to bring about new changes in the society, and almost you would find that all the people who are good, उनका यही है, they are willing to bring about the new changes in the society। वो चाहते हैं कि समाज हमारा बदले, समाज में नए नए चेंजेज आएँ, ओल्ड ट्रेडिशंस हटें, जो बेकार हैं, अच्छे हैं तो उनको बना करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कल्चर के साथ स्टिक रहना ज़रूरी है। चलिए आगे, इसका मतलब हो गया है कोज टू हैपन। जैसे कि मैंने कहा, मुझे तो नहीं पता ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, आई डोंट नो, I don't know why it, और आगे हमने लिख दिया क्या,
brought about. ये क्यों हुआ मुझे तो नहीं पता चला. I do not know, मैं तो नहीं जानता. Why it brought about, ऐसा क्यों हुआ मुझे तो नहीं पता. तो देखिए एक आसान सी फ्रेजल वर्ब है ये. ब्रिंग से लेकर के हमने कुछ फ्रेजल वर्ब्स को बनाया है. तो ब्रिंग अप था, ब्रिंग बैक, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग आउट और ब्रिंग ऑन और ब्रिंग अबाउट. आपने इस वीडियो को आई थिंक इन्जॉय किया होगा, ध्यान से देखा होगा, समझा होगा. और वीडियोज़ डेली आपको हम लोग देते रहेंगे, बनाते रहेंगे और ऐसे इस सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे. लेकिन जाने से पहले यही कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें. कमेंट बॉक्स में आप कोई कमेंट कर सकते हैं. आप इसको शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू.